नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का द आईआर शो में। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। रिलायंस जो है बहुत ही जल्द विश्व की सबसे लंबी अंडर सी फाइबर केबल को लॉन्च करने वाला है, जो कि वो उसकी एक इंटरनेशनल ग्लोबली पार्टनर्स के साथ शुरू करेगा। तो ये भारत के पर्सपेक्ट से बहुत अच्छी न्यूज़ है। तो यहाँ आप देख भी सकते हैं कि बिजनेस वर्ल्ड का आर्टिकल है जिसमें दिया हुआ है कि रिलायंस जियो जॉइंस ग्लोबल कंसोर्टियम टू बिल्ड अंडरसी केबल नेटवर्क। ये करीबन जो है इससे जो आपकी कैपेसिटी स्पैनिंग बढ़ेगी, इससे करीबन 16,000 किलोमीटर की बढ़ेगी। तो आप समझ सकते हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा है। और बेसिकली इससे अगर आपका नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा, साथ ही साथ भारत की इससे जो एक पॉलिटिकल डिप्लोमेसी है वो भी बढ़ेगी। क्योंकि किसी भी देश की जब कोई कंपनी जब कोई बढ़ती है तो उसका ग्लोबली लेवल पे भी आपको एक अलग ही एडवांटेज देखने को मिलता है। जैसा कि आप चीन के केस में देख सकते हैं कि उनकी जो कंपनी है वावे, उसने कई जगह पे अपने टावर्स लगाए और कई जगह पे अपना जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो उसके इक्विपमेंट्स थे उनको दिया, जिससे चीन का ही प्रभाव उन देशों में बढ़ा। तो इसका डिप्लोमेसी में भी काफ़ी फ़ायदा मिलता है। बाकी आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होता है वो तो होता ही होता है। तो अब इस न्यूज़ के ऊपर जब हम लोग आगे बढ़ें तो हम लोग देख सकते हैं कि ये फाइबर केबल का एक मैंने आपको एक पिक दिखाई हुई है। फाइबर केबल कुछ इस तरीके की होती है, एक आपको मोटा मोटी इसका जो है अंदाज़ा हो जाएगा। इससे फाइबर केबल जो होती है वो जो नॉर्मल फाइबर केबल होती है उससे अलग होती है। अंडर सी जो फाइबर केबल होती है, क्योंकि उसको समुद्र के अंदर रहना रहता है तो इसलिए उसको काफ़ी मजबूत बनाया जाता है। उसकी जो लेयरिंग होती है उसको काफ़ी अच्छे से उसको जो है प्रोटेक्ट किया जाता है, इसीलिए उसको आर्मर्ड फाइबर केबल भी कहा जाता है। तो अब ये जो रिलायंस ने किया है, रिलायंस का जो आगे का जो प्रोजेक्ट है उसके तहत वो दो तरीके की केबल बनाना चाह रहा है। आप देखना चाहें तो उनके नाम भी आप देख सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं IAX करके, जहाँ मैं सर्किल कर रहा हूँ, और IEX सबसी सिस्टम्स। इन दोनों सिस्टम्स में जो है IAX का मतलब है इंडिया एशिया एक्सप्रेस, और IEX का मतलब है इंडिया यूरोप एक्सप्रेस। इंडिया एशिया एक्सप्रेस में जो इंडिया से जो केबल होगी ये यहाँ से आपके इंडिया से होते हुए ये आपके एशिया में सिंगापुर, और सिंगापुर से होते होते उसके बियॉन्ड तक जाएगी। और जो आपकी इंडिया यूरोप एक्सप्रेस है ये आपकी यहाँ से जाएगी, जो आपके यूरोप को कनेक्ट करेगी इंडिया से। आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें ऐसी कौन सी खास बात होगी, पहले भी तो अंडर सी फाइबर केबल वगैरह बिछती थी तो इसमें ऐसा कौन सी खास बात होगी। तो खास बात इसमें ये है कि इस बार जो ये जो प्रोजेक्ट जिसकी बात की है रिलायंस ने, उनके अनुसार ये जो केबल होगी इसमें जो केबल बिछाई जा रही है ये इंडिया सेंट्रिक केबल है। इंडिया सेंट्रिक केबल का मतलब कि इंडिया को एक बाईपास की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, बल्कि इंडिया को एक कनेक्टिंग स्टेशन की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि यहाँ मैंने एक मैंने लगाया हुआ है, जिस मैप से आप बस आपको एक आइडिया मिल जाए कि कैसे केबल जाएगी। तो यहाँ से जो है चेन्नई के पास से जो आपकी इंडिया एशिया जो एक्सप्रेस वाली है वो चेन्नई से जाएगी, जो कि यहाँ से आपकी जो है सिंगापुर वगैरह तक जाएगी, और फिर यहाँ से जो है वो आगे तक अपना बढ़ेगी। इसी तरीके से जो आपकी जो इंडिया यूरोप वाली जो आपकी एक्सप्रेस जो है उसकी जो अंडर सी केबल है वो यहाँ से आपके मुंबई से होते हुए वो यहाँ से आगे तक बढ़ेगी। और इन दोनों की एक टाइमलाइन भी बनाई गई है। जैसा कि रिलायंस के जियो के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने कहा है कि ये जो आपकी जो इंडियन यूरोप वाली और इंडिया एशिया वाली जो भी दोनों जो आपकी एक्सप्रेस वो जो अंडर सी केबल लाइंस हैं ये दोनों आपकी मिड 2023 तक और मिड 2024 तक ये आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। तो इसलिए काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है। अगर टाइमली कंप्लीट हो जाता है तो इससे इंडिया की गुडविल भी बढ़ेगी और इंडिया की जो एक सॉफ्ट पावर है वो भी बढ़ने का काम करेगी। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ एक मैंने एक लगा रखी है पिक इसकी अंडर सी केबल की, जिसके आप कंपोनेंट्स को थोड़ा सा समझ सकते हैं कि ये केबल स्टेशन हो गया जहाँ से केबल को बिछाने का काम किया जाता है। और यहाँ से आप देख रहे हैं कि केबल किस तरीके से अंदर अंदर जा रही है। तो ये काफ़ी गहराई पे भी जाती है, जहाँ गहराई पे जाती है वहाँ पे इसको इतना ज़्यादा जो है प्रोटेक्शन नहीं दिया जाता है, क्योंकि इसकी जो लेयरिंग होती है बहुत ज़्यादा मजबूत होती है। लेकिन जहाँ
थोड़ी सी नज़दीकी होती है ज़मीन वमीन से, वहाँ इनको अच्छे से जो है अटैच किया जाता है उस लैंड के पास से, ताकि जो है वो वहाँ से हिले ना या वहाँ से वो ख़राब ना हो। इसलिए जो होती हैं ये लाइनें जो है बिछाई जाती हैं, और ये आर्मर्ड केबल इसीलिए इनको कहा जाता है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ आर्मर्ड केबल हो गई, जो कि आपकी यहाँ लैंड के काफ़ी करीब में है, और ये आपकी अनआर्मर्ड डीप ओशन केबल हो गई, क्योंकि डीप में होती तो बहुत ज़्यादा इसके लिए इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती, केबल अपने में ही काफ़ी प्रोटेक्टिव होती है, तो इसके लिए अलग से इनके लिए अरेंजमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि एम्पलीफायर है, तो आप इससे एक आपको एक आइडिया मिल सकता है। आई होप सो इससे आप लोग को काफ़ी बातें जो है समझ में आई होंगी। और अगर आप लोग जानना चाहें तो फिलहाल जो है भारत में जो है 15 सबसी केबल्स हैं, ठीक है, जिनमें से जो 5 जो है आपकी जो शहर हैं वहाँ पे इनके सेंटर्स जो है वो लैंडिंग सेंटर्स बने हुए हैं, लैंडिंग स्टेशंस, जिनमें एक मुंबई है, चेन्नई है, कोचीन है, तुतिकोरिन है और त्रिवेंद्रम है। और कुछ दिन पहले आप लोगों ने प्लान एक सुना ही था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने BSNL के साथ प्लान बनाया है कि जल्दी ही जो है वो चेन्नई से जो है वो लैंड मान निकोबार तक एक केबल लाइन को बिछाने का भी एक प्रोजेक्ट पास किया गया है। तो ये फिलहाल के प्रोजेक्ट हैं। बाकी अगर आप लोग जानना चाहिए तो एक आप लोग को पता होना चाहिए कि एक भारत की अपनी एक योजना है मिस्ट करके, लेकिन अभी एक सिर्फ प्रपोज्ड है। यहाँ पे जो मिस्ट का जो फुल फॉर्म है ये म्यांमार, इंडिया, सिंगापुर और थाईलैंड, ये अंडरसी केबल प्रपोज्ड प्रोजेक्ट है इंडिया के द्वारा, जो कि इंडिया जो है चलाना चाहता है, लेकिन अभी ये अंडर वे है, अभी तक पास नहीं हुआ है और इस पर अभी कोई बहुत ज़्यादा जो है सहमति नहीं बन सकी है। हालांकि ये काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है, लेकिन इसी से मिलता जुलता एक प्रोजेक्ट पहले से ही है, जुपिटर करके प्रोजेक्ट, आप उसको सर्च करिएगा, जुपिटर अंडर सी केबल प्रोजेक्ट, जो कि कैलिफोर्निया से है, कैलिफोर्निया को कनेक्ट है, यूएसए के जो कैलिफोर्निया है वहाँ से कनेक्ट करता हुआ जापान वगैरह तक जाता है, जापान और फिलीपींस को जोड़ता है। तो ये अंडरसी केबल प्रोजेक्ट है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं, क्योंकि अगर ये नहीं होंगे तो इनके बिना आपको जो भी कम्युनिकेशन जो फैसिलिटीज़ मिल रही हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगी, और नेटवर्किंग वगैरह के लिए भी काफ़ी अच्छे होते हैं। तो जैसे जैसे इनका एक्सपेंशन होगा ये इकनॉमी और हर पर्सपेक्टिव से काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि इस कोविड वगैरह के समय में भी डिजिटल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसने काफ़ी ज़्यादा लोगों की मदद की है। सो थैंक्स फॉर द योर सपोर्ट, सो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द फ्यूचर नोटिफिकेशंस। थैंक यू फ्रेंड्स।